जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम करता क्या है, वो पहले इनपुट लेता है यूज़र से और उसके बाद वह कंप्यूटर में उस डेटा को प्रोसेस करता है और फिर अंत में वह आउटपुट डिस्प्ले करता है। तो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, इसको आप IPO साइकिल भी कह सकते हैं। तो आज हम 5th चैप्टर को देखेंगे, ICSE क्लास 9th के जावा विथ ब्लूजे इस सब्जेक्ट में 5th चैप्टर जो है उसका नाम है इनपुट इन जावा। तो इसमें हम प्रोग्राम के अंदर जो हम डेटा इनपुट करते हैं वो किस अलग अलग तरह से किया जाता है ये देखेंगे। तो अब हम कमेंट्स के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि प्रोग्राम की शुरुआत में कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, प्रोग्राम का नाम लिखा होता है, प्रोग्राम का जो पर्पज़ है वो लिखा होता है। तो ये जो कमेंट है यह एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, यानी जो प्रोग्राम का जो कोड होता है उसके अंदर हम जो लिखते हैं उसको स्टेटमेंट कहा जाता है। तो कमेंट को भी हम एक स्टेटमेंट कह सकते हैं, लेकिन वह नॉन एग्जीक्यूटेबल है, वह सिर्फ एक टेक्स्ट की तरह ही यूज़ होता है और कंपाइलर उसे छोड़ देता है, कंपाइलर उसको प्रोसेस नहीं करता। तो कमेंट हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल हम इस तरह से कर सकते हैं, प्रोग्राम की शुरुआत में डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखकर आप जो भी लिखोगे तो वो कमेंट माना जाएगा और कंपाइलर उसे इग्नोर कर देगा। ये कमेंट आपको सिर्फ एक ही लाइन में लिखनी होती है। अगर आपको दो लाइनें लिखनी हो तो आप दोबारा नई लाइन में डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखकर उसके बाद में आप कमेंट लिखना शुरू कर सकते हो। सिंगल लाइन कमेंटिंग का इस्तेमाल प्रोग्राम के कोड ब्लॉक के अंदर छोटे छोटे कमेंट्स लिखने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इंटीजर c इज इक्वल टू a इंटू ए, इसके आगे डबल फॉरवर्ड स्लैश स्क्वेयर ऑफ द नंबर लिखा है। तो यहाँ पर यह कोड का पर्पस जो है वह समझाता है। तो प्रोग्राम की जो लाइनें हैं उन्हें समझाने के लिए आप सिंगल लाइन कमेंटिंग का इस्तेमाल प्रोग्राम के कोड ब्लॉक के अंदर भी कर सकते हो। डबल फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करके हम सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं, लेकिन अगर प्रोग्राम के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी देनी ज़रूरी है तो उस समय हम मल्टी लाइन कमेंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए फॉरवर्ड स्लैश स्टार लिखकर कमेंट लिखना प्रारंभ करें और एक लाइन पूरी होने के बाद एंटर की प्रेस करें। अगर आप ब्लूजे का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो जो ज़रूरी सिंबल्स हैं वो इसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे, तो इस तरह से आप जितनी चाहे उतनी लाइनें इस कमेंट में लिख सकते हो। तो इस ब्लॉक का जो एंड है वो स्टार फॉरवर्ड स्लैश से होगा। जावा के प्रोग्राम में अगर आपको अपने बारे में जानकारी लिखनी है, यानी कि आपका नाम, प्रोग्राम का वर्जन और आपने इस प्रोग्राम को कब बनाया था, तो इस जानकारी को डॉक कमेंट्स कहते हैं या डॉक्यूमेंटेशन कमेंट कहते हैं। इसकी शुरुआत होती है फॉरवर्ड स्लैश डबल स्टार से और इस ब्लॉक का एंड होता है स्टार फॉरवर्ड स्लैश से। तो इस फॉर्मेट में अगर आप कमेंट लिखोगे तो जावा डॉक नाम का एक टूल है, वह इस इंफॉर्मेशन से प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह से की जाने वाली कमेंटिंग को डॉक कमेंट या डॉक्यूमेंटेशन कमेंट कहा जाता है। अब हम जावा के प्रोग्राम में डेटा इनपुट किन अलग अलग विधियों से किया जा सकता है देखेंगे। डेटा इनपुट करने के कई तरीके हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लूजे के अंदर हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और स्कैनर क्लास का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चारों जो विधियां हैं वो हम विस्तार से देखेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि एक जावा प्रोग्राम के अंदर असाइनमेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम डेटा इनपुट कैसे कर सकते हैं।
आप जानते हैं कि जो इक्वल का जो साइन है उसे असाइनमेंट कहते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, इसलिए उसे असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट से अगर हमें डेटा इनपुट करना हो प्रोग्राम में, तो जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो उसी समय आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक सैम्पल प्रोग्राम बनाया है, पब्लिक क्लास बायोडेटा, ये हमारा क्लास का नाम हुआ। फिर हमने यहाँ पे एक कर्ली ब्रेस दिया, उसके बाद हम मेन मेथड की शुरुआत करेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, फिर एक नया ब्लॉक ऑफ कोड शुरू होगा इसके लिए और एक कर्ली ब्रेस। यहाँ पर हमने डेटा इनपुट करना है, तो डेटा जो है हमारा वो है नाम, क्लास कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, स्कूल का नाम और सिटी। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो टेक्स्ट में है, टेक्स्ट स्ट्रिंग है, इसलिए हम उसको डबल कोट के अंदर लिखते हैं। अगर हमें टेक्स्ट स्ट्रिंग को कंप्यूटर के प्रोग्राम में एंटर करना है तो हम कैसे करते हैं, एक वेरिएबल के थ्रू करते हैं। वो जो वेरिएबल है वो भी स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एसटीडी, यानी शॉर्ट फॉर्म है, ये वेरिएबल्स हैं, नेम एसटीडी एसयूबी एसीएच सिटी, ये सारे स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स ऑफ द टाइप स्ट्रिंग। और उसमें इमीडिएटली हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हमने टेक्स्ट स्ट्रिंग उसको असाइन की, और जब स्टेटमेंट पूरा होगा तब हम सेमीकोलन देंगे। तो ये हमारा डेटा इनपुट होगा, टेक्स्ट स्ट्रिंग का डेटा स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर दिया। तो इस तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके या असाइनमेंट स्टेटमेंट से प्रोग्राम के अंदर डेटा इनपुट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम। अब इसको हम डिस्प्ले कैसे करेंगे, डिस्प्ले करने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे डबल कोट के अंदर आप जो भी लिखोगे वो जैसे के वैसे प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद में प्लस लिख के जो वेरिएबल है इसका नाम लिखेंगे तो वेरिएबल में जो डेटा इनपुट किया गया है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से हमने नेम, क्लास, सब्जेक्ट, स्कूल और सिटी लिख के उसके आगे हमने जो डेटा इंटर किया है वो यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे। तो ये प्रोग्राम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप इसे कॉपी करके ब्लूजे के कंपाइलर में पेस्ट करके रन कर सकते हो। तो अब हम इसका आउटपुट देखें। आइए अब देखते हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम जावा के प्रोग्राम में वैल्यूज़ किस तरह से इनपुट कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर तीन सैम्पल प्रोग्राम्स का इस्तेमाल किया है, एक है सम, एक है स्क्वेयर ऑक, एक है इंटरेस्ट। ये तीनों प्रोग्राम्स जो है एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं, और इन तीनों प्रोग्राम का कोड मैं कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दूँगा हमेशा की तरह। अब हम पहले प्रोग्राम को ओपन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। तो हमने क्लास बनाया सम नाम से, पब्लिक क्लास सम, ओपनिंग ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू जीरो। हमने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों किया है, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ए बी और सी की वैल्यू हमने जीरो इनिशियलाइज की है। अब हम ए को वैल्यू असाइन करेंगे, ए इज इक्वल टू 245, बी इज इक्वल टू 375। अब हमें ए और बी को ऐड करना है, और उसकी जो एडिशन है वो सी में स्टोर करनी है। तो हम यहाँ पे सिर्फ फार्मूला लिखेंगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमें इस कैलकुलेशन का रिजल्ट जो है वो प्रोग्राम के आउटपुट में दिखना चाहिए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन इन ब्रैकेट इन डबल कोट्स द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू विद इन कोट्स। तो ये कोट्स के अंदर का जितना भी हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे वो जैसे के वैसे प्रिंट होगा। उसके बाद में प्लस सी, सी जो है हमारा वेरिएबल है जिसमें ए और बी की एडिशन हमको डिस्प्ले करनी है। तो ये प्रोग्राम का आउटपुट इस तरह से लिखा जाता है। अब दोनों ब्रैकेट्स हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब इसको हम कंपाइल करेंगे, नीचे देखें कंपाइलेशन पूरा होगा, नो सिंटैक्स एरर्स,
उसके बाद में इसको क्लोज कर देंगे। अब ये जो आइकॉन है क्लास का सम नाम के, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स पर क्लिक करें। उसके बाद में दोबारा ओके पर क्लिक करें तो यहाँ पे हमको अपने प्रोग्राम का आउटपुट दिखाई देगा। ऑप्शन पे क्लिक करके हम क्लियर कर देंगे तो पिछले प्रोग्राम का अगर आउटपुट कहीं होगा तो वो भी निकल जाएगा। और दोबारा राइट क्लिक करके हम वाइड मेन पे क्लिक करें ओके, तो ये हमारा इस प्रोग्राम का आउटपुट है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 620। तो इस तरह से एक प्रोग्राम हमने देखा। अब दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं स्क्वायर का। फाइंड एरिया पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर नाम से एक क्लास बनाया, पब्लिक क्लास स्क्वायर इन ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे है, इंटीजर एस एरिया इज इक्वल टू 0 पेरी इक्वल टू 0, ये जो वेरिएबल्स हैं एरिया और पीआर है पेरीमीटर, डबल डीआईजी ये डायगोनल के लिए इज इक्वल टू 0.0। एस जो है साइड है, जो स्क्वायर की एक साइड जो है वो 20 की है, एस इज इक्वल टू 20। अब हम फॉर्मूले लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस, पेरी इक्वल टू 4 × s, डायगोनल इज इक्वल टू मैथ डॉट स्क्वायर इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड बाई एस। तो ये मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं। तो यहाँ पे ये जो फार्मूलेज हैं ये कैलकुलेट करेंगे और इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो इन वेरिएबल्स में स्टोर होंगी, एरिया पेरीमीटर और डायगोनल। अब हमको इसको डिस्प्ले करना है, तो इस डिस्प्ले के लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इन ब्रैकेट। अब डबल कोट के अंदर जो भी लिखेंगे जैसे कि वैसे प्रिंट होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज प्लस एरिया, ये जो वेरिएबल है जिसके अंदर ये हमारा जो रिज़ल्ट है वो स्टोर किया गया है, तो यहाँ पे एरिया आएगा, उसी तरह से यहाँ पेरीमीटर और यहाँ पे डायगोनल। अभी हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, देखें नीचे किस तरह की कोई एरर नहीं है, फिर उसको क्लोज कीजिए। अब स्क्वायर के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, वाइड मेन पे क्लिक कीजिए ओके। अब दोबारा देखिए यहाँ पे पिछले प्रोग्राम का भी आउटपुट दिखाई दे रहा है, तो इससे अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ऑप्शन पे जाके इसको क्लियर कर दीजिए और इसको दोबारा देख लीजिए। तो यहाँ पे क्लियरली इसी प्रोग्राम का आउटपुट हमको दिखाई देता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 400, पेरीमीटर इज 80 और डायगोनल इज 28.28। तो इस तरह से हमारे पास में अगर कैलकुलेशन जिन चीज़ों का करना है वो वैल्यूज़ अगर हैं हमारे पास में, तो उसके फॉर्मूलेज लिख के उसको एक प्रोग्राम की तरह रन करके हम जो है हमारा रिज़ल्ट आउटपुट कर सकते हैं। तो आइए और एक एग्जांपल देखते हैं इंटरेस्ट वाला। यह है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट पेएबल व्हेन प्रिंसिपल अमाउंट एनुअल इंटरेस्ट एंड टाइम इन ईयर्स इज प्रोवाइडेड। यानी कि अगर किसी ने लोन लिया है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितने साल तक के लिए वो लोन है वो अगर हमें पता है तो उसे हम सिंपल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट पेएबल मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने इंटरेस्ट नाम से एक क्लास बनाया, पब्लिक क्लास इंटरेस्ट इन ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। फिर दोबारा नया ब्लॉक ऑफ कोड है, इंटीजर पी ए आर ओ आई और टी ईयर्स, ये जो है वेरिएबल्स हैं, पी ए यानी प्रिंसिपल अमाउंट, आर ओ आई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी ईयर्स यानी टाइम इन ईयर्स। तो हमने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल्स बनाए हैं, इनका आप कुछ भी नाम रख सकते हो, एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम बिल्कुल आपकी इच्छा के अनुसार आप चेंज कर सकते हो। और फिर ये और एक वेरिएबल बनाया हमने, डबल सिंप आईएनटी सिंपल इंटरेस्ट, तो ये भी वेरिएबल का नाम है, हमने इसको इनिशियलाइज किया 0 अमाउंट पे यानी जो टोटल अमाउंट पेएबल है उसको वेरिएबल बनाया, अमाउंट पे इज इक्वल टू 0। अब प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो लोन लिया गया था वो है 5000 का, तो पी ए इज इक्वल टू 5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर ओ आई की वैल्यू कितनी है 9 है। टाइम ईयर्स इज इक्वल टू 2, दो साल के लिए 5000 रुपये 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल के लिए अगर लिया है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो इस सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू इन ब्रैकेट पी ए इंटू आर ओ आई इंटू टी ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। ये हमने फार्मूला लिख दिया। फिर टोटल अमाउंट पेएबल क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट पे इज इक्वल टू पी ए प्लस सिंपी इंट। तो हमने फार्मूले लिख दिए।
अब जो प्रोग्राम जब रन होगा तो ये फॉर्मूले के हिसाब से इसका कैलकुलेशन होगा और जो रिज़ल्ट है वो ये दो वेरिएबल्स में स्टोर होगा, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट पे में। अब हम इनको डिस्प्ले करेंगे तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। तो जब हम प्रोग्राम के अंदर वैल्यूज़ अगर हमको एंटर करनी हो तो असाइनमेंट स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके हम इस तरह से डेटा इनपुट जो है हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब हम आउटपुट लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इन डबल कोट्स दी लोन अमाउंट इज, डबल कोट के अंदर जो भी लिखेंगे वो जैसा होगा वैसा प्रिंट होगा, प्लस पी ए। पी ए क्या है? वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल इसकी वैल्यू 5000 है वो यहाँ पे प्रिंट होगी आउटपुट में। उसी तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सिम प्रिंट और अमाउंट पे। तो इस तरह से हम प्रोग्राम के अंदर डेटा इनपुट कर सकते हैं। अब हम जावा के प्रोग्राम में फंक्शन आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल करके डेटा इनपुट कैसे किया जाता है ये देखेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन ब्रैकेट इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। तो हर एक प्रोग्राम के अंदर एक मेन नाम का मेथड होता है या इसे फंक्शन भी कहते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर जो हम वेरिएबल्स लिखते हैं इनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर ए और इंटीजर बी ये हमने दो आर्ग्यूमेंट्स लिखे। तो क्या होगा? दिस फंक्शन विल एक्सेप्ट टू इंटीजर्स फ्रॉम द यूज़र ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का जो तरीका है, दिस इज़ ए मेथड इन विच द इनपुट डेटा कैन बी एंटर्ड बाय ए यूज़र ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। द वेरिएबल्स फॉर इनपुट आर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन के भीतर वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं और इस वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा है वो यूज़र के द्वारा एंटर किया जा सकता है। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स ब्लू जे के आईडीई के अंदर रन करके देखेंगे। अब हम एक एग्जांपल प्रोग्राम देखेंगे। राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड दी सम एंड एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स। यूज़ ए बी एंड सी एज इंटीजर वेरिएबल्स एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स इन दी मेन फंक्शन। अब हम नंबर्स का एवरेज निकालने वाला प्रोग्राम देखेंगे। इसके लिए ब्लू जे के कंपाइलर में एक एवरेज नाम से क्लास बनाइए और फिर उसको ओपन करके उसमें का जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है उसको डिलीट कर दीजिए और फिर ये नया प्रोग्राम उसके अंदर हम लिखेंगे। पब्लिक क्लास एवरेज कर्ली ब्रेस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहाँ पे हम इसके पहले वाले प्रोग्राम्स में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स हमने लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम तीन वेरिएबल्स लिख रहे हैं ए बी और सी, और तीनों को हमने इंटीजर डिक्लेयर किया है, इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी। तो इस तरह से हम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स की तरह जो है वेरिएबल्स यूज़र्स को पास कर सकते हैं और फिर यूज़र से जो है इनपुट ले सकते हैं। अब देखें आगे प्रोग्राम कैसे चलता है। इंटीजर सम इज़ इक्वल टू 0 हमने इनिशियलाइज़ किया, डबल एवरेज इज़ इक्वल टू 0.0। अब सम जो है वो ए प्लस बी प्लस सी होगा। यूज़र से हम ए बी और सी की वैल्यू लेंगे और फिर उसका सम बनाएंगे, उसके बाद में उसका एवरेज निकालेंगे और एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 3। और फिर आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं ये दो, एक में सम डिस्प्ले करेंगे एक में एवरेज डिस्प्ले करेंगे। इसको फिर सेव कर लीजिए और फिर कंपाइल कीजिए। ये दोनों प्रोग्राम आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। अब इसको कंपाइल करके देखें, क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर्स। अब इसको क्लोज कर दीजिए। अब इसके बाद एवरेज वाले आइकॉन पर राइट क्लिक कीजिए और वॉइड मेन इंट ए बी सी, यहाँ पे से एक नया मेनू ऑप्शन आएगा उसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब ये जो बॉक्स है इसके अंदर हम मेन के जो है आर्गुमेंट्स की वैल्यू यहाँ पे हम इंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज इंटर करूँगा, 20, 30 और 50। ओके, तो ये आ गया हमारे प्रोग्राम का आउटपुट। दिस सम इज़ 100, द एवरेज इज 33.333। तो इस तरह से फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की तरह से हम यूज़र से वैल्यूज़ लेके उसको प्रोग्राम में कैलकुलेट करके उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स से डेटा एंटर करने के लिए और एक दूसरा एग्जांपल प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड आउट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल बाय यूजिंग फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। तो इसके अंदर जो वेरिएबल्स के नाम हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस तरह से हैं, डायगोनल या हाइपोटेन्यूज के लिए डी, एरिया के लिए ए आर, पेरीमीटर के लिए पी ई आर आई, परपेंडिकुलर के लिए पी और बेस के लिए बी। इन वेरिएबल के जो नाम हैं इनका इस्तेमाल हम प्रोग्राम के अंदर करेंगे।
एरिया और पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल कैलकुलेट करने के लिए। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम ट्राइंगल नाम से एक नया क्लास बनाएंगे, फिर उसको ओपन करके उसमें से जो भी पहले वाला डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है उसको डिलीट कर दीजिए और फिर ये एक नया प्रोग्राम यहाँ पे लिखिए, पब्लिक क्लास ट्राइंगल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंटीजर पी और इंटीजर बी। तो परपेंडिकुलर के लिए पी हमने वेरिएबल यूज़ किया है, बेस के लिए बी, तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू हम यूज़र से लेंगे और फिर उसको हम प्रोग्राम में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे डायगोनल या हाइपोटेन्यूज के लिए हम डी यूज़ करेंगे, डबल डी। एरिया के लिए ए आर है, ए आर इज इक्वल टू जीरो, पेरीमीटर का पी आर आई इज इक्वल टू जीरो, इसको इनिशियलाइज कर लेंगे हम और मैथमेटिकल फार्मूला लिखेंगे हाइपोटेन्यूज या डायगोनल का जो फार्मूला है ट्राइंगल के, डी इज इक्वल टू मैथ डॉट स्क्वेयर रूट ऑफ इन ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी इंटू पी प्लस बी इंटू बी, ये एक फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला हुआ एरिया का 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, ये एरिया का फार्मूला हुआ। और फिर पेरीमीटर का फार्मूला परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस डायगोनल, पी आर इज इक्वल टू पी प्लस बी प्लस डी, ऐसे हमने फार्मूले लिखे और यूज़र से जैसे ही परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू एंटर होगी ये सब चीज़ें कैलकुलेट होंगी और फिर यहाँ पे डिस्प्ले होंगी, एक में एरिया डिस्प्ले होगा एक में पेरीमीटर डिस्प्ले होगा। अब इसको हम कंपाइल करेंगे, नीचे देखें नो सिंटैक्स एरर्स, फिर इसको क्लोज कीजिए और ट्राइंगल वाले आइकॉन पर राइट क्लिक कीजिए और वाइड मेन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप वैल्यूज एंटर कर सकते हो, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हम यहाँ पे देंगे 50 और बेस की वैल्यू मैं दूंगा 30, देखें क्या होता है। तो ये जो पहली दो लाइनें हैं ये पिछले प्रोग्राम की हैं, तो वो भी साथ में आ जाती हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता हो तो यहाँ से ऑप्शन से क्लियर कर लीजिए, वरना आपके जो दूसरा प्रोग्राम है ट्राइंगल का उसका आउटपुट ये है। एरिया इज 750, हमने जो परपेंडिकुलर और बेस एंटर किया था उससे ये कैलकुलेट होके आउटपुट में डिस्प्ले हो रहा है, और पेरीमीटर इज 138.309। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को प्रोग्राम के मार्फत जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम जावा में स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करके डेटा इनपुट किस तरह से किया जाता है ये देखेंगे। आइए देखें स्कैनर क्लास का इस्तेमाल डेटा इनपुट के लिए हम जावा में किस तरह से कर सकते हैं। स्कैनर जो है ये क्लास है, ये क्लास यूटिलिटी नाम के पैकेज का हिस्सा है और ये पैकेज जो है वो जावा के सोर्स फाइल के अंदर है। तो जावा के सोर्स फाइल से अगर हमको किसी क्लास को या किसी पैकेज को लेना चाहिए, लेना अगर है प्रोग्राम में, तो हम इम्पोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, स्कैनर के अंदर एस कैपिटल है और बाकी सब यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में है। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर और सेमीकोलन, तो ये हो गया हमारा इम्पोर्ट स्टेटमेंट। तो हमने प्रोग्राम के अंदर स्कैनर नाम के क्लास को इम्पोर्ट किया। जब हम किसी क्लास का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने इसके पहले जो वीडियो बने थे उसके अंदर हमने देखा था क्लास का ऑब्जेक्ट भी हम किस तरह से बनाया जाता है, ये भी हमने देखा। तो ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्टेटमेंट है, हमने एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, स्कैनर एक्स इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये यहाँ न्यूज के बाद जो लिखा हुआ स्कैनर है इसका कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक ही पैरामीटर दिया है सिस्टम डॉट इन, सिस्टम का एस कैपिटल है, सिस्टम डॉट इन का मतलब है यह ऑब्जेक्ट यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब सिस्टम इनपुट जो है हमारा जो स्कैनर ऑब्जेक्ट है वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये बन गया हमारा स्कैनर ऑब्जेक्ट एक्स। अब हम इसका इस्तेमाल प्रोग्राम के अंदर करेंगे। जब हम किसी क्लास का किसी प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो क्लास के अंदर डिफाइन किए हुए जो अलग अलग मेथड्स होते हैं तो उन मेथड्स को हम इन्वोक करते हैं। तो स्कैनर क्लास के अंदर कौन से मेथड्स हैं, इनमें से कुछ मेथड्स के नाम यहाँ पर मैंने दिए हैं, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट। ये शॉर्ट इंट फ्लोट तो हमारी समझ में आता है, ये जो डेटा टाइप है जैसे शॉर्ट इंट, शॉर्ट है, इंटीजर नंबर है, फ्लोटिंग नंबर है, लॉन्ग नंबर है, डबल नंबर है, या फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट यानी इसके बाद में जो भी हम इनपुट करेंगे वो इसके अंदर लेगा, नेक्स्ट लाइन में जो भी आएगा इसके अंदर लेगा। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल में यूज़ करके देखें
हमने तीन इंटीजर वेरिएबल्स यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी, और उसके बाद में हम ऐसा लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर ए नंबर। तो प्रोग्राम जब रन होगा तो इस लाइन पे आने के बाद में हमारे स्क्रीन पर लिखेगा दिखेगा एंटर ए नंबर। उसके बाद क्या होगा, एक्स डॉट नेक्स्ट इंट, एक्स हमारा ऑब्जेक्ट है, स्कैनर ऑब्जेक्ट है। एक्स डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट क्या है, नेक्स्ट इंट ए स्कैनर क्लास का मेथड है। तो ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये स्कैनर क्लास की मेथड है। तो इस तरह से हम इस मेथड को इन्वोक कर सकते हैं, एक्स डॉट नेक्स्ट इंट। इसका मतलब क्या होगा कि यूज़र से इनपुट के लिए इंतज़ार करो, और जब यूज़र डेटा इनपुट करेगा तो वो एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, उसको इस वेरिएबल में असाइन करो। ये हमारे इंटीजर वेरिएबल्स हैं, तो इंटीजर डेटा ये एक्सेप्ट करेगा और इंटीजर वेरिएबल में ये स्टोर करेगा, और इसका इस्तेमाल हम प्रोग्राम में आगे वाले कोड के लिए कर सकते हैं। इस तरह से स्कैनर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके हम यूज़र से डेटा इनपुट कर सकते हैं, और उसको फिर किसी एक वेरिएबल में स्टोर करके उसको प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से b इज इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट इंट, तो इस तरह से हम और एक इंटीजर एक्सेप्ट करेंगे और उसको b के अंदर स्टोर करेंगे। इसके एग्जांपल प्रोग्राम्स हम आगे देखेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि स्कैनर क्लास का इस्तेमाल प्रोग्राम के अंदर हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए जावा के ब्लू जे के कंपाइलर के अंदर एक नया क्लास बनाइए, उसे स्वैप नाम दे दीजिए और फिर उसे ओपन कीजिए। फिर इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होगा उसको डिलीट कर दीजिए और उसके अंदर ये वाला प्रोग्राम लिखिए, या फिर आप इसको इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में मैं इसका कोड दूंगा, वहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम में हम यूज़र से दो नंबर्स इनपुट की तरह लेंगे, तो यूज़र ने जिस सीक्वेंस में वो नंबर्स एंटर की हैं उसका सीक्वेंस हम उल्टा कर देंगे, तो नंबर्स हम स्वैप कर देंगे। तो ये होगा नंबर स्वैपिंग का प्रोग्राम। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, इस स्टेटमेंट से हम जावा का जो यूटिलिटी पैकेज है पूरा का पूरा इम्पोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक ही क्लास नहीं बल्कि उसके सारे क्लासेस हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं इस स्टेटमेंट से। अब हम क्लास यहाँ पर डिफाइन करेंगे, पब्लिक क्लास स्वैप, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, और फिर ये होगा हमारा मेन मेथड का जो है कोड ब्लॉक। यहाँ पर हम एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर क्लास का, स्कैनर एक्स इज इक्वल टू न्यू स्कैनर इन ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन। अब एक्स नाम से जो ऑब्जेक्ट बन गया उस ऑब्जेक्ट में सिस्टम डॉट इन नाम का जो पैरामीटर है, इसकी वजह से प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय यूज़र से जो है वो डेटा इनपुट कर सकेगा ये ऑब्जेक्ट। तो जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा इनपुट होगा उस डेटा को हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम उसे प्रोग्राम के भीतर यूज़ कर सकें। इसके लिए हम तीन वेरिएबल्स, इंटीजर वेरिएबल्स यहाँ पर तैयार करते हैं, इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे तीन इंटीजर वेरिएबल्स हो गए। अब यूज़र को यह बताने के लिए कि वो कोई एंटर नंबर एंटर करे, यहाँ पर हम एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इन ब्रैकेट इन डबल कोट्स एंटर ए नंबर। अब यहाँ पर जब ये लाइन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी, इनपुट का जो बॉक्स है उसके अंदर डेटा इनपुट किया जाएगा, ए इज इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट इंट। तो जब हम ऐसा लिखते हैं एक्स डॉट नेक्स्ट इंट, इसका क्या मतलब है, एक्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का, और नेक्स्ट इंट जो है वो एक मेथड है वो भी स्कैनर क्लास का। तो जब हम ऑब्जेक्ट का नाम और मेथड का नाम लिखते हैं तो ये मेथड जो है वो कॉल होती है, यहाँ पे ये मेथड एग्जीक्यूट होती है। तो ये मेथड करती क्या है, ये यूज़र से डेटा इनपुट करती है और उसको जो डेटा यूज़र ने जो डेटा एंटर किया है उसे स्टोर करती है उसी ऑब्जेक्ट के अंदर। अब इस ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर होने के बाद में फिर हम उसको ए नाम के वेरिएबल में असाइन करते हैं ताकि हम उसका प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे हमें दो नंबर चाहिए, तो जब तक दो नंबर आप एंटर नहीं करोगे तब तक ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। तो चाहो तो आप यहाँ पे एंटर टू नंबर्स भी लिख सकते हो, जो यूज़र को बताने के लिए जो स्टेटमेंट लिखना है एंटर टू नंबर्स भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम इसको सेव कर लेंगे।
तो ये हो गई यूज़र ने इंटर की हुई वैल्यूज़ ए और बी की। अब हम इसको स्वैप करेंगे। स्वैप कैसे करेंगे, हमने तीन वेरिएबल्स लिए हैं, तो सी जो है ये हमारा एक ब्लैंक वेरिएबल है, तो इसमें हम पहले ए की वैल्यू स्टोर करेंगे, फिर ए के अंदर बी की वैल्यू स्टोर करेंगे, फिर बी के अंदर सी की वैल्यू स्टोर करेंगे। इस तरह से ए और बी की जो इनिशियल वैल्यू है वो स्वैप हो जाएगी। तो आपने इस तरह का कभी किया होगा इस तरह का एक्सपेरिमेंट। तो जब स्वैप हो जाएगी तो हम इसको डिस्प्ले करेंगे दो आउटपुट स्टेटमेंट से। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखिए, यहाँ पे आपको नीचे मैसेज आना चाहिए कंपाइलेशन डन या फिर क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर्स, फिर इसको क्लोज कर दीजिए। अब जो स्वैप का आइकॉन है उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और मेन वाइड मेन पे आप क्लिक कीजिए और फिर दोबारा जो छोटा सा विंडो दिखेगा उसके अंदर भी सिर्फ ओके पर क्लिक करना है हमें। यहाँ पे आ रहा है इंटर टू नंबर, ठीक है। तो नंबर आप जैसे मैं यहाँ पे 35 लिखूँ फिर एंटर करूँ और फिर 56 लिखूँ एंटर करूँ, तो 35-56 का जो आउटपुट है वो 56 और 35 यहाँ पे स्वैप हो गया। अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन करके देखते हैं। अब इस बार दोनों नंबर्स हम एक साथ एंटर करेंगे। यहाँ पे अगर देखिए जो प्रोग्राम हमने रन किया था उसका जो आउटपुट है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होता है, तो इससे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये नहीं चाहते तो यहाँ से ऑप्शन में से क्लियर कर दीजिए तो ये स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। तो एंटर टू नंबर्स, तो हम इकट्ठा भी एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 80 लिखा स्पेस और 55 लिखा, तो दोनों नंबर्स यहाँ पे इकट्ठा मैंने लिख दिए हैं और दोनों के बीच में सिर्फ एक स्पेस है, फिर एंटर करो तो 80-55 का जो आउटपुट है वो 55 और 80, तो नंबर्स हमने स्वैप किए। और जो डेटा इनपुट है आप इस दोनों तरह से कर सकते हो। आइए अब हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले जावा के कंपाइलर के अंदर एक नया क्लास बनाइए, उसको नाम दीजिए नेट सैलरी और फिर उसको ओपन कीजिए और इसके अंदर जो पहले से प्रोग्राम है डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम उसको डिलीट कर दीजिए और फिर उसके अंदर ये नया प्रोग्राम ऐड कीजिए। ये जो प्रोग्राम है ये आपको वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में दिखाई देगा, वहाँ से आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। अब देखें कि ये प्रोग्राम किस तरह का है। प्रोग्राम टू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी। जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो को सबसे पहले पूछेगा नाम, यानी अगर आपकी कोई फर्म है और उस फर्म के अंदर आपका कोई एम्प्लॉई है तो उस एम्प्लॉई का नाम इसमें आप लिख दीजिए। फिर वो बेसिक सैलरी पूछेगा, नाम और बेसिक सैलरी। फिर इन दो चीज़ों के बाद हम बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस पे और नेट पे। तो इसके लिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ तय की हैं वो इस प्रकार हैं। डियरनेस अलाउंस को हमने डीए लिखा है, डीए इज इक्वल टू 20% ऑफ बेसिक सैलरी। एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, ये हमारे वेरिएबल्स के नाम हैं, आप जो चाहो नाम दे सकते हो वेरिएबल्स को। एचआरए इज इक्वल टू 14% ऑफ बेसिक सैलरी। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड इज इक्वल टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। इसके बाद में हमने ग्रॉस जीआरओएसएस, ये वेरिएबल का नाम है, ग्रॉस इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए। और नेट पे ग्रॉस पे से प्रोविडेंट फंड का अमाउंट डिडक्ट करोगे तो हो जाएगा नेट पे। तो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जावा का पूरा यूटिलिटी पैकेज इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार और सेमीकोलन। उसके बाद में हमारा जो क्लास है पब्लिक क्लास नेट सैलरी, हमने क्लास बनाया नेट सैलरी नाम से। इसके अंदर हमारी जो मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब ये जो है ये मेन मेथड में के सारा कोड ब्लॉक है। ये स्कैनर एक्स इज इक्वल टू न्यू स्कैनर इन ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन। हमने एक्स नाम से स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे आप जो मर्जी आप नाम दे सकते हो, ये एक वेरिएबल है। स्कैनर एक्स इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, तो ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो सिस्टम का इनपुट एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे, इसका मतलब ये मतलब है। अब यहाँ पे हम इंटीजर बेसिक नाम का हमने इंटीजर वेरिएबल तैयार किया। उसके बाद में हमने डबल वेरिएबल्स तैयार किए, डबल के अंदर दुगने स्पेस होती है इंटीजर से, ये इसमें भी हम नंबर्स ही स्टोर करने वाले हैं।
डबल डी ए एच आर ए पी एफ जी पी, और इसको हमने इमीडिएटली इनिशियलाइज भी कर लिया, जी पी इज इक्वल टू जीरो, एन पी फॉर नेट पे इज इक्वल टू जीरो, जी पी का मतलब ग्रॉस पे, एन पी का मतलब नेट पे। तो ये हमारे नंबर्स के लिए हमने वेरिएबल्स बनाए। और फिर नेम नाम का हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हम यूज़र ने इनपुट किया हुआ नेम नाम स्टोर करेंगे। अब हम प्रोग्राम के अंदर यूज़र को बताएंगे कि क्या करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन इन ब्रैकेट इन डबल कोट्स एंटर द नेम ऑफ द एम्प्लॉई, आपका जो एम्प्लॉई है उसका आप नाम यहाँ पे एंटर कीजिए, ऐसे स्क्रीन पे दिखेगा जब ये प्रोग्राम रन होगा। और उसके बाद प्रोग्राम रुक जाएगा, रुकने के बाद में जो वैल्यूज़ एंटर करने का जो बॉक्स होता है उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन एंटर की जाएगी वो यहाँ पे हम एक्स डॉट नेक्स्ट लाइन के अंदर स्टोर करेंगे। एक्स जो है हमारा स्कैनर ऑब्जेक्ट है और नेक्स्ट लाइन जो है वो मेथड है, एक्स डॉट नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे हमने नेक्स्ट लाइन नाम की मेथड इस्तेमाल की है, ये मेथड है स्कैनर क्लास के अंदर। तो यूज़र जो नाम इनपुट करेगा वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। हमें क्या करना है, ये वैल्यू हमें नेम इस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है, इसलिए नेम इज़ इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट लाइन। ये हमने नाम ले लिया। उसके बाद में हम यूज़र से बेसिक सैलरी पूछेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटिक एंटर बेसिक सैलरी, बेसिक इज इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट इंट। तो यहाँ पे हमने और एक मेथड का इस्तेमाल किया है, नेक्स्ट इंट। देखिए एक्स डॉट नेक्स्ट लाइन, एक्स डॉट नेक्स्ट इंट, ये हमने दो अलग अलग मेथड्स इस्तेमाल किए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे इंटीजर की ज़रूरत है। बेसिक इज इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट इंट, तो यूज़र जो भी यहाँ पे वैल्यू एंटर करेगा वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी जो हमें बेसिक नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो हमें हमारे पास दो चीज़ें आ गई, नाम आ गया और बेसिक सैलरी आ गई। अब नीचे हमें सिर्फ फार्मूले लिखने हैं, ये प्रोग्राम उसके बाद में अपने आप कैलकुलेट करेगा। डियरनेस अलाउंस इज इक्वल टू बेसिक इंटू 20/100, एच आर इज इक्वल टू बेसिक इंटू 14/100, पी एफ इज इक्वल टू बेसिक इंटू 10/100, ये यहाँ पे हमने जो तय किया था उस तरह से। और ग्रॉस पे इज इक्वल टू बेसिक प्लस डी ए प्लस एच आर ए, नेट पे इज इक्वल टू ग्रॉस पे माइनस प्रोविडेंट फंड, ये सारे फार्मूले हैं जो प्रोग्राम इसका इस्तेमाल करके कैलकुलेट करेगा। और जो कैलकुलेट की हुई वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी, यहाँ पे नेम डिस्प्ले होगा, यहाँ पे ग्रॉस पे डिस्प्ले होगा और यहाँ पे नेट पे डिस्प्ले होगा। तो इस प्रोग्राम को सेव कर लीजिए और कंपाइल कीजिए, और नीचे आना चाहिए कंपाइलेशन डन या क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर्स। उसके बाद में हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब नेट सैलरी के आइकॉन पे राइट क्लिक कीजिए और वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, फिर यहाँ पे ओके पर प्लेस कीजिए। यहाँ आ गया अपना प्रोग्राम का आउटपुट, एंटर द नेम ऑफ द एम्प्लॉय। तो जब तक प्रोग्राम रन होता है यहाँ पे एक बार आपको आगे पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। तो प्रोग्राम इज़ अंडर एग्जीक्यूशन, एंटर द नेम ऑफ द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे, राम कुमार, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे पूछा जाएगा एंटर बेसिक सैलरी, तो आप जो चाहो लिख सकते हो, 100,000, 10,000, 1,00,000, ठीक है 1,00,000 एंटर करें। अब कैलकुलेशन पूरा होके हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ गया, एम्प्लॉयज़ नेम इज़ राम कुमार, ग्रॉस पे इज 1,34,000, इनका ग्रॉस पे हो गया। और लेकिन एक्चुअली इनको मिलता कितना है प्रोविडेंट फंड कट के, नेट पे इज इक्वल टू रुपीज़ 1,24,000 उनके हाथ में आएगा। तो इस तरह से आप इंटरेक्टिव प्रोग्राम बना सकते हो जो स्कैनर क्लास है उसका इस्तेमाल करके। तो आप इस प्रोग्राम को रन करके इसके अंदर अलग अलग वैल्यूज़ एंटर करके इसको टेस्ट करके देखिए। अब हम जावा के प्रोग्राम में टेस्टिंग और डीबगिंग किसको कहते हैं देखेंगे। टेस्टिंग का मतलब सीधा साफ है, अगर कोई प्रोग्राम ठीक से चलता है या नहीं इसे देखने को हम टेस्टिंग कहेंगे। तो प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे, कंपाइल करेंगे और फिर देखेंगे कि वो ठीक से चलता है क्या नहीं। अगर ठीक से नहीं चल रहा है, अगर उसके अंदर कोई गलतियाँ आ रही हैं, जैसे आपने कोई प्रोग्राम कंपाइल किया और उसके अंदर एरर्स दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर एरर्स जो प्रोग्राम के अंदर हो सकते हैं उन्हें
तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। तो सिंटैक्स एरर क्या है, जैसे जावा के कीवर्ड्स होते हैं, जैसे पब्लिक एक कीवर्ड है, तो पब्लिक लिखते समय आपने उसकी स्पेलिंग अगर गलत लिख दी तो वो जो माना जाएगा सिंटैक्स एरर, तो कंपाइल समझ नहीं पाएगा कि आपने क्या लिखा है, तो उस समय कंपाइलेशन के समय आपको एरर दिखाई देंगे। उसी तरह से जो ब्रेसेस होते हैं, जैसे ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस हम देते हैं, तो अगर आपके प्रोग्राम में बहुत सारे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस हैं और आपने एकाध कोई क्लोजिंग ब्रेस अगर नहीं दिया तो वहाँ पर भी जो कंपाइलर जो है उसे एक सिंटैक्स एरर की तरह आपको दिखा देगा, और जिस जगह पर एरर है वहाँ पे आपको एक अंडरलाइन दिखाई देगी और साथ ही एक मैसेज भी दिखाई देगा कि जो पॉसिबल एरर है वो क्या हो सकता है। और दूसरा जो है वो लॉजिकल एरर है, जैसे आपने कोई चीज़ कैलकुलेट करते समय उसका जो आपको फार्मूला लिखना चाहिए, अगर आपने फार्मूला गलत लिखा तो गलत फार्मूले को अगर प्रोग्राम कैलकुलेट करता है तो रिज़ल्ट तो देगा लेकिन वो रिज़ल्ट होगा गलत, तो उसको कहा जाता है कि लॉजिकल एरर, प्रोग्राम का जो लॉजिक है, तो आपने जो लिखा है जो उसका जो प्रोग्राम का लॉजिक जो लिखा है या जो फार्मूला लिखा है वो अगर आपने गलत लिखा तो उसको कहा जाएगा लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर जो है वो कंप्यूटर नहीं पहचान पाएगा या कंपाइलर नहीं पहचान पाएगा, वो प्रोग्रामर को खुद डिटेक्ट करना पड़ेगा। यानी आपको पता है कि कोई प्रोग्राम रन करने के बाद में उसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, और वो रिज़ल्ट अगर नहीं आया तब आप उसे मानोगे कि ये एक लॉजिकल एरर है। उस समय आपको आपके फार्मूले या आपका जो कोडिंग है उसमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ गलती होगी। और तीसरा होता है रन टाइम एरर। तो कंप्यूटर की जो कैलकुलेट करने की जो क्षमता होती है उसके उससे बड़ी संख्या अगर रिज़ल्ट के अंदर आ गई, या समझो किसी तरह की इन्फिनिट लूप के अंदर प्रोग्राम चला गया, तो उस समय में रन टाइम एरर दिखाएगा। जैसे किसी फार्मूले में अगर डिवीजन है और डिवीजन के अंदर अगर जीरो एंटर हो गया, तो किसी भी संख्या को अगर जीरो से डिवाइड कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू जो है इन्फिनिटी आ जाती है। तो इन्फिनिटी जैसी कोई संख्या कंप्यूटर के अंदर नहीं होती, इसलिए उस समय वो रन टाइम एरर दिखाएगा। और साथ ही किसी निगेटिव संख्या का स्क्वेयर रूट आपने निकालने की कोशिश की तो वहाँ पर भी आपको रन टाइम एरर दिखाई देगा। तो प्रोग्राम के अंदर ये जो अलग अलग तरह के एरर्स होते हैं, एरर्स यानी त्रुटियाँ या गलतियाँ, तो इन एरर्स को ढूंढकर उन्हें ठीक करने को हम डीबगिंग कहेंगे। बग का मतलब है कीड़ा या इंसेक्ट। तो जैसे कोई धान है, धान की बोरी है, उसके अंदर कीड़े लग गए हैं, तो आप क्या करोगे, उस कीड़ों को निकाल दोगे उस धान के अंदर से, बग को आप डीबग करोगे। तो उसी तरह का कुछ ये कंसेप्ट है, बग यानी कीड़ा, डीबगिंग यानी कीड़े निकाल देना। तो बग शब्द का यहाँ पे अर्थ जो है गलती या त्रुटि के अर्थ में लिया गया है। तो ये हुआ जावा का टेस्टिंग और डीबगिंग का मतलब। अब हम जावा के प्रोग्राम में एरर्स किस तरह के आ सकते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिया है जो पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर हम मेन मेथड में तीन इंटीजर्स डिक्लेयर करते हैं और फिर तीनों की सम करके फिर उसका एवरेज निकालते हैं। ऐसा एक सिंपल सा प्रोग्राम है। तो देखें कि जो जावा के कीवर्ड्स होते हैं, जैसे ये पब्लिक एक कीवर्ड है, तो कीवर्ड लिखते समय जावा तो है केस सेंसिटिव, तो मान लेते हैं किसी ने गलती से पी को स्मॉल की जगह अगर कैपिटल लिखा पब्लिक, तो समझ में तो नहीं आएगा ऐसे कि शायद ये गलती है। तो जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, देखें कंपाइल पर प्रेस करके, तो तुरंत यहाँ पे आपको ये ब्राउन वाला एक मार्क दिखाई देगा और ये अंडरलाइन हो जाएगा ये एरिया, एरर्स फाउंड इन क्लास। तो कंपाइलर इसको तुरंत डिटेक्ट करता है कि ये यहाँ पे गलती आ गई है। अब इसको स्मॉल कर दीजिए, फिर कंपाइल कीजिए, देखिए एरर चला गया। अब दूसरी मिस्टेक कैसे होती है, जैसे ये ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस है, तो आप किसी भी जो ब्लॉक है उसको ओपन नहीं छोड़ सकते। जैसे आपने अगर गलती से एक ब्रेस देना अगर भूल गए आप, और फिर आप इसे कंपाइल करके देखिए, तो तुरंत आपको यहाँ पे मैसेज दिखाई देगा, एरर मैसेज। तो वापस हम इसमें क्लोजिंग ब्रेस डाल देते हैं और फिर दोबारा कंपाइल करके देखें,
नो एरर्स। और एक गलती यहाँ पे हो सकती है, जैसे हम आउटपुट स्टेटमेंट लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस सम इज इक्वल टू प्लस सम, और ये हमने लिख दिया, और यहाँ पे सेमी कोलन हमने लास्ट में अगर देना भूल गए, और फिर हमने कंपाइल किया, यहाँ देखिए तुरंत ये इस बताता है कि इस लाइन के अंदर एरर है। तो ये जो प्रोग्राम का जो सिंटैक्स होता है या फिर ग्रामर होता है उसके अंदर अगर कोई गलती हो तो उसको हम सिंटैक्स एरर कहेंगे। अब देखें कि लॉजिकल एरर क्या होता है। हमारा जो प्रोग्राम है उसका नाम है एवरेज। तो एवरेज में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम तीन नंबर्स यूज़र से ले रहे हैं, तो तीन नंबर्स ने हमने यूज़र से लिए और फिर उसका सम किया, और एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय थ्री। तो ये जो फार्मूला है एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय थ्री, ये हमारा प्रोग्राम का लॉजिक है। मान लेते हैं हमने गलती से थ्री की जगह टू कर दिया तो क्या होगा, इसको हमने कंपाइल किया, नो एरर्स, क्योंकि आपका जो लॉजिक है तो आपको ही समझ में आता है, कंपाइलर को उसको नहीं पता है, वो तो आपने जो फार्मूला लिखा है उसे कैलकुलेट कर देगा, लेकिन आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो ऐसे समय में प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल एरर है क्या नहीं ये समझने के लिए आपको एक वैल्यूज़ का सेट बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर में वैल्यूज़ और उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट सभी आपके पास पहले से तैयार होना चाहिए, और फिर उसको आप एंटर करके देखें कि जो प्रोग्राम है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहा है या नहीं, तब आप उस लॉजिकल एरर को पकड़ पाओगे। प्रोग्राम के कोडिंग के अंदर इस तरह से जो गलतियाँ होती हैं जो कंपाइलर के लिए तो कोई एरर नहीं है, लेकिन प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट है जो आउटपुट है वो गलत आ रहा है, इसको कहेंगे लॉजिकल एरर। अब रन टाइम एरर क्या होता है। रन टाइम एरर वो होता है जब प्रोग्राम रन करता है उस समय अगर एरर दिखाता है तो उसे कहेंगे रन टाइम एरर। तो ये कैसे दिखाएगा, तो आमतौर पे जो प्रोग्राम की जो लिमिट होती है कैलकुलेशंस की उसके बाहर अगर कोई संख्या चली जाती है तो उस समय वो रन टाइम एरर दिखाता है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे सम डिवाइडेड बाय जीरो अगर कर दिया तो डिवीजन बाय जीरो तो इन्फिनिटी उसका रिज़ल्ट बन जाएगा। तो इन्फिनिटी जैसी कोई नंबर कंप्यूटर के अंदर नहीं है, तब वो रन टाइम एरर बताएगा। देखें अब इस प्रोग्राम को हम सेव करके कंपाइल करके देखें, कंपाइलेशन में तो कोई एरर नहीं है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम तीन नंबर्स एंटर करेंगे, तो जो टर्मिनल विंडो है उसके अंदर यहाँ पे आपको ये एरर दिखाई देती है, जावा डॉट लैंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन डिवीजन बाय ज़ीरो। तो इस तरह से जब प्रोग्राम रन हो रहा हो उस समय अगर कोई एरर आती है उसको हम कहेंगे रन टाइम एरर्स। अब हम इस एरर को ढूंढ के दूर कर सकते हैं और फिर इसको हम सेव करेंगे और फिर कंपाइल करेंगे, देखें नो सिंटैक्स एरर्स। तो एरर को ढूंढ के दूर करना इसे ही डीबगिंग कहते हैं, बग से नहीं एरर्स। अब यहाँ जो अलग अलग तरह की गलतियाँ हैं इन्हीं को बग कहा जाता है, और फिर इनको ढूंढने को टेस्ट कहेंगे और फिर उन्हें दूर करने को डीबगिंग कहेंगे। तो टेस्टिंग एंड डीबगिंग ये अपना इस तरह से होता है।